For latest Bollywood news and updates, please subscribe to Bollymyth. हेलो नमस्कार, मैं हूं अंजलि चौहान और आप देख रहे हैं बॉलीमिथ। कंगना रनौत इस साल केवल अपने सोशल मीडिया पोस्ट के कारण चर्चा में रही हैं। कंगना रनौत देश और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हर मुद्दे को लेकर अपनी राय जाहिर करने से कभी भी पीछे नहीं हटी हैं और इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया है। जहां पर लव जिहाद वाले मामले को लेकर कंगना ने अपना समर्थन दिखाया है, कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर हिंदू लड़की को नाम और धर्म छिपाकर फंसाकर शादी करने की खबर को लेकर एक सवाल पूछा है। क्या है वो सवाल, आइए जानते हैं। कंगना रनौत ने साफ तौर पर लिखा है कि लव जिहाद के कानून से लोगों को परेशानी क्या है। उन्होंने इसके लिए सभी के सामने एक उदाहरण भी पेश किया है। बता दें कि अपने इस मैसेज के जरिए कंगना रनौत ने लव जिहाद को लेकर यूपी समेत कई राज्य सरकारों की ओर से कानून बनाए जाने का समर्थन किया है। कंगना रनौत ने ट्वीट कर पूछा कि प्रतिदिन हमें से कई मामलों के बारे में सुनते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि कुछ लोगों को इस लव जिहाद कानून से समस्या क्या है। कंगना रनौत ने कहा कि अगर ये प्रेम विवाह है तो दोनों अपनी वास्तविक पहचान बताकर शादी कर रहे हैं तो ये दोनों के लिए ही अच्छा है, लेकिन अगर एक महिला के साथ धोखा और चीटिंग होती है या फिर वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है तो उसके न्याय की लड़ाई कौन लड़ेगा। आपको बता दें कि कंगना रनौत बीते दिनों किसान आंदोलन को लेकर दिलजीत दोसांझ के साथ भी अपनी लड़ाई को लेकर चर्चा में रही हैं। कंगना रनौत ने करण जौहर के नाम को दिलजीत के नाम के साथ जोड़ा और लिखा कि ओ करण जौहर के पालतू। करण जौहर के पालतू कहे जाने पर दिलजीत दोसांझ ने कहा, तूने जितने लोगों के साथ फिल्में की हैं, तू उन सबकी पालतू है, फिर तो तेरे मालिकों की लिस्ट बड़ी लंबी हो जाएगी। ये बॉलीवुड वाले नहीं, पंजाब वाले हैं। झूठ बोलकर लोगों के इमोशन के साथ खेलना तो आप अच्छे से जानती हैं। फिलहाल कंगना रनौत अपनी आगामी फिल्मों का काम भी कर रही हैं। वह अपराजित अयोध्या, थलेवी और धाकड़ फिल्म में दिखाई देंगी। तो सोशल मीडिया पर कंगना के इस बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, जाते जाते इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही साथ हमारे चैनल बॉलीमिथ को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फॉर लेटेस्ट बॉलीवुड न्यूज एंड अपडेट्स, प्लीज सब्सक्राइब टू बॉलीमिथ।